अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुक बाय आसमा। अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम चाहने वाले सुनने वाले खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की रहमत को अपने दोनों हाथों से समेट रहे हों। आज जो हम आपके लिए रेसिपी लेके आए हैं हरा मसाला चिकन बोटी, नहायत ही इजी रेसिपी है, झटपट मिनटों में तैयार होने वाली रेसिपी है। आप इसे सहरी में भी बना सकते हैं और इफ्तारी के खाने में भी बना सकते हैं, डिनर में भी सर्व कर सकते हैं बना के। नहायत ही आसान रेसिपी है, 5 मिनट में बनने वाली रेसिपी है और खाने में नहायत मजेदार है हरा मसाला चिकन बोटी। सब चले शुरू करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले हम चिकन लेंगे, मैंने थाई के पीसेस लिए थे 1/2 किलो, इन्हें अच्छी तरह धो के मैंने ड्राई कर लिया था। फिर तमाम पीसेस पे मैंने 1/2 टीस्पून नमक लगा दिया था, 1/4 टीस्पून हल्दी लगा देंगे। नमक और हल्दी लगा कर अच्छी तरह हम चिकन के चारों साइडों पे अच्छी तरह लगा देंगे, हाथों के साथ अच्छी तरह मल के लगा देंगे। चिकन आपने ड्राई ही लेना क्योंकि चिकन अपना पानी काफ़ी छोड़ देता है, अगर पहले चिकन गीला होता है तो पानी बहुत ज़्यादा वो छोड़ देता है और थाई के पीसेस तो बड़ी जल्दी कुक हो जाते हैं। दूसरी साइड पर हम इसकी ग्रीन चटनी बनाएंगे, जिसके लिए मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, उसे मैंने काट लिया था, उसे ब्लेंडर में डालेंगे। तीन सब्ज मिर्चें ली थी, 1/2 कप धनिया लिया था, 10 लहसुन लिए थे, 10 से 12 जवे इसके। अगर आप मोटा लहसुन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपसे 5 से 6 जवे लीजिएगा, मैंने बारीक लहसुन इस्तेमाल किया तो इसलिए मैंने 12 जवे लिए हैं। लीमू लेंगे 1 अदद, पानी डालेंगे 1/2 कप, नमक डालेंगे 1/2 टीस्पून क्योंकि हमने चिकन के पीसेस को भी नमक लगाया, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर लेंगे 1/1 टीस्पून, काली मिर्चों का पाउडर लेंगे 1 टीस्पून, 1 पिंच हल्दी शामिल करेंगे और इसकी अच्छी सी पेस्ट बना लेंगे। चटनी, फाइन चटनी हमने पेस्ट इसकी बनानी। लेमन हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि इसमें एक फ्रेश कलर आता है, लेमन के साथ इसका ग्रीन कलर ही रहेगा, चटनी का कलर ख़राब नहीं होगा। दूसरी साइड पे मैंने 4 टेबलस्पून ऑयल लिया था, एक कढ़ाई ली थी उसमें ऑयल डाला था और चिकन के जो पीसेस हमने मैरिनेट किए थे नमक और हल्दी के साथ वो डाल देंगे। जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखा था उसे हम ऑयल में हल्की आंच पे हमने इसे फ्राई करना है, दोनों साइडों पे इसका हल्का सा कलर हमने देना है। जब एक साइड से कलर आ जाए तो हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। आप दूसरे चिकन से भी बना सकते हैं, हड्डी वाला चिकन लेके उसके साथ भी बना सकते हैं, लेकिन थाई के पीसेस ज़्यादा सॉफ्ट बन के रेडी होते हैं और ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। जब एक साइड से कलर आ जाए तो हम इसकी साइड चेंज कर देंगे, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि जब आप चिकन लें तो उसका पानी फुल ड्राई हो। ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा दोनों साइडों से कलर इक्वल कलर आ गया एक जैसा। ज़्यादा भी हमने इसे फ्राई नहीं करना, लाइट सा गोल्डन कलर हम देंगे इसे। अब चिकन को निकाल के हम एक साइड पे रख देंगे। और जो ग्रीन पेस्ट बनाई थी वो डाल देंगे। ग्रीन पेस्ट को हमने इसका कच्चापन दूर करने तक इसको हम फ्राई करेंगे, सिर्फ हम 3 से 4 मिनट इसको फ्राई करेंगे कि जो लहसुन वगैरह और चीज़ें डाली हैं वो उसका कच्चापन दूर हो जाए। तो जो चिकन हमने फ्राई करके रखा था वो डाल देंगे। ज़्यादा हमने ओवर पेस्ट को नहीं फ्राई करना कि इसका कलर ब्लैक हो जाएगा, इसीलिए हम इसे 4 से 5 मिनट सिर्फ इसका कच्चापन दूर करेंगे और जो चिकन हमने फ्राई करके रखा था वो डाल देंगे। चिकन के साथ हम इसे दोबारा से फ्राई करेंगे अच्छी तरह, जितना अच्छा हम इसे भुनेंगे उतना ही अच्छा ये बनकर रेडी होगा। और इसे थोड़ी देर इसे 5 से 6 मिनट कवर करके हम पका लेंगे। कोई पानी ऐड नहीं था किया, कोई कुछ भी मैंने ऐड नहीं था किया। थाई के पीसेस है ये झटपट गल जाते हैं, रेडी हो जाते हैं। टमाटर काट के वो डाल दिया था मैंने, अदरक बारीक काट के वो डाल देंगे, आप अदरक और टमाटर ज़रूर ऐड कीजिएगा, लेमन जूस 1 टेबलस्पून वो डाल देंगे उसे, और 2 मिनट सिर्फ इसे हम कवर करके रख देंगे। क्रीम डाल देंगे गार्निश पे, फ्रेश क्रीम, अगर आपके पास घर की बनी हुई बलाई है तो आप वो भी डाल सकते हैं।
डिश आउट करेंगे। लीजिए मजेदार हमारी हरियाली बोटी रेडी है, झटपट रेसिपी बन के रेडी हो गई है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा और बिल्कुल इजी सी रेसिपी और बहुत मजेदार बन के रेडी हुई थी। आप इसे कोयले का धुआं भी दे सकते हैं अगर आपका आपको पसंद है बारबेक्यू का जायका, तो आप इसे इस पे डिश आउट करने से पहले आप इसे कोयले का धुआं भी दे सकते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी जो बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी थी लेकिन आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, आप अपने घर में ज़रूर ट्राई करेंगे और दूसरों के साथ भी मेरी रेसिपी को शेयर करेंगे। उम्मीद करती हूँ आप ज़रूर मेरे चैनल पर विजिट करेंगे, बाकी रेसिपीज़ भी देखेंगे और इसका फीडबैक भी ज़रूर देंगे मुझे। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला मेरे तमाम सुनने वालों को अपनी ज़ुबान में रखे, सेहत और तंदुरुस्ती दे। आप ही अपनी दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा। अब दीजिएगा मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। रमजान स्पेशल वीडियोस देखना चाहते हैं तो नीचे प्लेलिस्ट में हमारी वीडियोस आ रही हैं, आप हमारे चैनल पे जाके विजिट कर सकते हो, बाकी रेसिपीज भी देख सकते हैं।